नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ऑटोमोबाइल बैटरीज के बारे में बात करने वाले हैं, और ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। अगर आपने इस सीरीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं देखे हैं, तो उसकी जो लिंक है वो मैं यहाँ पर आई बटन में आपको दे दूँगा, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो भी चेक कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है वो बैटरी के चार्जिंग प्रोसीजर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और हम हाइड्रोमीटर के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो हाइड्रोमीटर का क्या यूज़ है, हाइड्रोमीटर क्यों ऑटोमोबाइल बैटरी में यूज़ होता है, वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट हम बात करने वाले हैं हाइड्रोमीटर के बारे में। हाइड्रोमीटर जो है वो क्यों यूज़ होता है ऑटोमोबाइल बैटरीज में, और हाइड्रोमीटर का क्या पर्पज़ है ऑटोमोबाइल बैटरीज में। तो हाइड्रोमीटर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेज़र करता है किसी भी फ्लूइड का। तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी मेज़र करने की क्यों ज़रूरत है हमें, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेज़र करने की जो है वो हमें इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये दिखाई देती है कि जब भी कोई ऑटोमोबाइल बैटरी डिस्चार्जिंग स्टेज में होती है, तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी है वो फॉल होती है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी में हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी मेज़र करने के लिए हमारे पास कोई सा भी एक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तो वहाँ पर ये जो हाइड्रोमीटर है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेज़र करके देता है किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो यहाँ पर अभी हम H2SO4 अगर ले लेते हैं, डाइल्यूटेड H2SO4, तो उसकी जो जनरली फुली चार्ज्ड स्टेट में जब बैटरी होती है, तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 1.230 होती है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में होगी, तो वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी जो है वो लेस देन 1.230 हमें देखने को मिलेगी। पर वो पता कैसे चलेगा, हाइड्रोमीटर के जरिए जो है वो हम पता लगा सकते हैं। तो वहाँ पर अगर मैं आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको पता ना हो, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, यहाँ पर जो है वो लिक्विड होगा हमारा H2SO4, और टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड, यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्लूड जो है वो लिक्विड के लिए क्या होगा, वाटर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर की जो डेंसिटी है वो हमें 4 डिग्री सेल्सियस पर लेनी है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोमीटर कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंपल डायग्राम है हाइड्रोमीटर का, वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो हाइड्रोमीटर दो पार्ट का बना हुआ होता है। जो फर्स्ट यहाँ पर ये आप पार्ट देख रहे हैं वो है ग्लास बैरल, और यहाँ पर जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं वो है बल्ब सिरिंज। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जब भी आपको इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करनी है, तो वहाँ पर ये जो बल्ब सिरिंज है, ये जो बल्ब की सिरिंज है, उसे आप प्रेस करेंगे और डिप करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, तो वहाँ पर उसे प्रेस करके आप रिलीज कर देंगे यहाँ पर बल्ब की सिरिंज को, तो क्या होगा कि यहाँ से जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट एंटर हो जाएगा ग्लास बैरल में, जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ग्लास बैरल में आपका इलेक्ट्रोलाइट एंटर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें दो फ्लूइड देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट फ्लूइड है जो वो है वाटर, और सेकंड फ्लूइड जो है वो अभी अभी एंटर हुआ है ग्लास बैरल में, वो है H2SO4। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि H2SO4 की अगर डेंसिटी ज़्यादा है वाटर के मुकाबले, तो जो वाटर है वो अपर की डायरेक्शन में फ्लोट करेगा, और अगर H2SO4 की डेंसिटी कम है, और किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी अगर कम है वाटर के मुकाबले, तो जो है वो वाटर क्या करेगा, वाटर डिप डाउन कर जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लोट करेगा। परंतु आपको क्या करना है कि आपको जो है वो यहाँ पर ये जो फ्लोट है जिसमें वाटर भरा हुआ है, तो फ्लोट को आपको स्टेडी होने देना है। यहाँ पर फ्लोट के ऊपर जो है वो कैलिब्रेटेड स्केल होता है, फ्लोट के ऊपर इस तरह से यहाँ पर कैलिब्रेटेड स्केल होता है, वो आपको देख कर जो है वो स्पेसिफिक डेंसिटी का आइडिया मिल जाएगा। मान लीजिए H2SO4 जो है वो इतना हमने फिलअप किया है ग्लास बैरल में, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही फ्लोट इस रीडिंग स्केल के पास टच हुआ और यहाँ पर स्टेबल हो गया है, यानी कि यहाँ पर जो है वो फ्लोट आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया है, यानी कि न वो अब अपर की डायरेक्शन में जाएगा, न वो अब नीचे की डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पर ये जो स्टेबल हो गया है, तो यहाँ पर ये जो रीडिंग है वो हमें लेना है। और रीडिंग लेते समय क्या करना है कि रीडिंग लेते समय जो है वो आपकी आई स्ट्रेट कंडीशन में होनी चाहिए, न कि जो है वो ऐसे आप ऊपर से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, तो क्या होगा कि रीडिंग गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो रीडिंग डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो
फ्लूइड की सरफेस है जिसका आप स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर कर रहे हैं उसके साथ। तो यहाँ पर ये तो हो गया वर्किंग के बारे में कि हाइड्रोमीटर कैसे वर्क करता है। वहाँ पर सिंपल फिनोमेना है, अगर किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर के मुकाबले तो वाटर इसमें जो है वो फ्लोट करेगा अपर की डायरेक्शन में, और अगर किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी कम है वाटर के मुकाबले तो वाटर जो है वो उसमें डीप डाउन यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आपको एग्जांपल के तौर पे गैसोलीन का अगर एग्जांपल दूं तो यहाँ पर अगर आप गैसोलीन फिलअप करेंगे ग्लास बैरल में तो क्या करेगा कि वाटर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा क्योंकि जो गैसोलीन की डेंसिटी है वो वाटर से कम है। वहीं पर अगर हम ब्राइन सोल्यूशन की बात करें तो ब्राइन सोल्यूशन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या करेगा कि जो वाटर का जो फ्लोट है वो अपर की डायरेक्शन में ब्राइन सोल्यूशन में जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्लोट है वो किसी भी दो डायरेक्शन यानी कि ग्लास बैरल की जो दो वॉल्स है उसके बीच में स्टेडीली खड़ा हुआ है, तो वो किस इफेक्ट किस फ्लूइड स्टैटिक की इफेक्ट के कारण खड़ा हुआ है वो आप जल्दी से जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हाइड्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ ग्लास बैरल एंड बल्ब सिरिंज फॉर सकिंग अप द सैंपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू फ्लोट एन एनक्लोज्ड ग्लास हाइड्रोमीटर कैलिब्रेटेड रीड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि ये जो बल्ब सिरिंज है उसके जरिए जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को फिलअप किया जाता है ग्लास बैरल में और यहाँ पर डेप्थ जो है वो मेजर किया जाता है, यानी कि अगर द डेप्थ ऑफ विच द फ्लोट सिंक इन द लिक्विड इंडिकेट्स द रिलेटिव वेट ऑफ लिक्विड कंपेयर टू द वाटर, यानी कि जो फ्लोटिंग होगा यहाँ पर फ्लोट का वो क्या करेगा वो क्या दर्शाएगा कि रिलेटिव वेट दर्शाएगा कंपेयर टू वाटर के। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एन एनक्लोज्ड ग्लास हाइड्रोमीटर कैलिब्रेटेड टू रीड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय सकिंग अप द सैंपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू फ्लोट विद द हेल्प ऑफ बल्ब सिरिंज एंड ग्लास बैरल, यानी कि यहाँ पर जो दो पार्ट्स है वो मेन है, एक जो है वो बल्ब सिरिंज और दूसरा जो है वो ग्लास बैरल। और यहाँ पर मैंने दिखाया कि करेक्ट मेथड कौन सी है कि जो फ्लूइड के जो सरफेस है वो फ्लूइड जिसका आप स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करें उसकी सरफेस के आपको स्ट्रेट डायरेक्शन में देखना है किसी भी कैलिब्रेशन के लिए किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई कि अगर हमें पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमें डिक्रीमेंट यानी कि डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रोलाइट की तो हम पता लगा सकते हैं कि जो बैटरी है उसका जो चार्जिंग स्टेट है वो कम हो रहा है यानी कि वो डिस्चार्जिंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर हमें पता चल गया कि अभी जो बैटरी है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है और डिस्चार्ज होने ही वाली है तो हम नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे हम चार्जिंग ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरी। तो चार्जिंग कैसे करेंगे, चार्जिंग जो है वो कैसे किया जाता है कि चार्जिंग जो है वो रिवर्स करंट फ्लो करा के किया जाता है और हायर करंट फ्लो करा के किया जाता है। रिचार्जिंग ऑफ बैटरी इज डन बाय सप्लाइंग इट विथ द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि कुछ एक्सटर्नल सोर्स से हम क्या करेंगे कि बैटरी के जो टर्मिनल्स है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स में उसमें करंट फ्लो कराएंगे। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फ्लो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, एक्सटर्नल फ्लो ऑफ करंट जो है वो जनरेटर प्रोवाइड करेगा आपका विच विल फोर्स द करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि करंट आपको किस डायरेक्शन में फोर्स करना है, रिवर्स डायरेक्शन में आपको करंट जो है वो भेजना है। तो वहाँ पर क्या होगा कि सो दैट प्लेट्स कैन रिस्टोर द ओरिजिनल स्टेट एंड बिकम एंड बैटरी बिकम्स चार्ज, तो वहाँ पर क्या होगा कि प्लेट्स जो है वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएंगी और बैटरी जो है वो अभी चार्जिंग कंडीशन में आने की कोशिश करेगी। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं द रेट ऑफ चार्जिंग करंट फ्रॉम द जनरेटर टू द बैटरी डिपेंड ऑन द टाइम टू चार्ज द बैटरी, यानी कि बैटरी चार्जिंग का जो टाइम है उसके जरिए जो है वो आप पता लगा सकते हैं कि रेट ऑफ चार्जिंग करंट यानी कि जो चार्जिंग करंट हम फेड करने वाले हैं बैटरी में वो कितना होगा, उसकी जो वैल्यू है वो बैटरी के जो चार्जिंग टाइम है उसके अकॉर्डिंग वेरी करनी पड़ती है हमें। तो यहाँ पर चार्जिंग प्रोसीजर के कुछ 6 पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं तो वन बाय वन करके हम वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि चेकिंग द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन की बैटरी, यानी कि जो हम बैटरी है उसका इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जो टॉप एजिस है प्लेट की जो टॉप एजिस है उसके जो 10 mm से नीचे चला गया है, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 mm अबव दी टॉप सरफेस ऑफ दी प्लेट। तो यहाँ पर उससे अगर नीचे चला गया है लेवल तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो बैटरी है वो अब डिस्चार्जिंग होने ही वाली है। तो वहाँ पर जो है आप चार्जिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर देखें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी आपको नोट डाउन करके रखनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आप हाइड्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं और टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट भी आपको मेजर करना ही है। यहाँ पर टेम्परेचर क्यों मेजर करना है वो मैं आपसे आगे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो कनेक्ट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी टू द रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी चार्जर, यानी कि बैटरी टर्मिनल्स के जो रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स है उसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करेंगे। और बैटरी चार्जर इज सिंपली सोर्स ऑफ सप्लाइंग डायरेक्ट करंट, यहाँ पर जो बैटरी चार्जर है वो क्या करेगा कि डायरेक्ट डीसी करंट जो है वो
सप्लाई करेगा किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ऑटोमोबाइल बैटरी को चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग करंट की वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होती है, तो उसका भी एक हमारे पास सॉल्यूशन है। चार्जिंग वैल्यू ऑफ द करंट विल बी हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स, यानी कि आप पॉजिटिव नेगेटिव सारी की सारी जो प्लेट्स ऑटोमोबाइल बैटरी में मौजूद है उन सबको मिला के अगर उसे हाफ डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर आपके पास 17 प्लेट्स है तो उसका जो चार्जिंग करंट होगा वो कितना होगा, 8.5 एम्पियर हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर मैं आपसे फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करूं तो फोर्थ पॉइंट क्या कहेगा कि कंटिन्यू दी चार्जिंग अंटिल दी गैसेस इज बिगिन। हमें ऑटोमोबाइल बैटरी कब तक चार्ज करनी चाहिए कि जब तक उसके जो ऑटोमोबाइल बैटरी के वेंट्स है उसमें से गैसेस बाहर आने शुरू नहीं हो जाते, तब तक हमें क्या करना है, चार्जिंग प्रोसीजर को स्टार्ट ही रखना है। तो उसके बाद अगर गैस जो है वो बाहर आने शुरू हो गए तो उसके बाद में जो है आप डिक्रीज कर सकते हैं चार्जिंग करंट को, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर आप कंटिन्यूसली उसी चार्जिंग करंट को पुश करेंगे ऑटोमोबाइल बैटरी में तो उसका जो टेम्परेचर है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा और वो जो है वो प्लेट के जो परफॉर्मेंस है उसको डिक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पर चार्जिंग करंट को भी हमें डिक्रीज करना होगा जब गैसिंग प्रोसीजर शुरू हो जाएगी तब, और उसके बाद में हमें फिर से एक सैंपल इलेक्ट्रोलाइट का सैंपल लेके उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मेज़र करनी है, और वो अगर स्टेबल हो जाती है यानी कि आपने 5 मिनट पहले जो है वो ली स्पेसिफिक ग्रेविटी की सैंपल और 5 मिनट के बाद भी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी की सैंपल उतनी ही दिखा रही है, यानी कि रीडिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो वहाँ पर आपको चार्जिंग प्रोसीजर जो है वो स्टॉप कर देनी है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि टेम्परेचर के रिगार्डिंग, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एग्जीड्स द 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि किसी भी चार्जिंग प्रोसीजर के दौरान अगर 45 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट का, देन डिसकंटिन्यू चार्जिंग प्रोसेस फॉर वाइल, यानी कि आप थोड़ी देर के लिए जो चार्जिंग प्रोसेस है उसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर टेम्परेचर जो है वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा यानी कि 30-35 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा तो उसके बाद में आप चार्जिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और लास्ट पॉइंट है कि ओवरहीटिंग को आपको अवॉइड करना चाहिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो आपको नियत अंतराल पे जो है वो मेज़र करते रहनी चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंट इंटरवल के दौरान जो है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी और टेम्परेचर जो है वो मेज़र करते रहना चाहिए ताकि हम ओवरहीटिंग को जो है वो, तो यहाँ पर जो है वो हम देखने वाले हैं इसके बाद में चार्जिंग ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज। तो चार्जिंग ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज में यहाँ पर ये जो टेबल है वो बहुत ही IMP है आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पर फर्स्ट जो टेबल का कॉलम है उसमें दिया गया है बैटरी की कंडीशन, और सेकंड जो कॉलम है उसमें दी गई है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर यह स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी है, इलेक्ट्रोलाइट की है दोस्तों। तो यहाँ पर जब भी आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज कंडीशन में होगी तब जो है वो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइट की कितनी होगी, 1.220, और कई बार आपको 1.230 भी आपको दिया गया होता है। उसके बाद में बात करते हैं हाफ डिस्चार्ज कंडीशन में अगर आपकी बैटरी है तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी आपको मिलेगी, 1.175 आपको दी गई होगी, और फुल्ली डिस्चार्ज कंडीशन में आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज कंडीशन में है उसमें से आप पावर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते अभी, तो वहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मिलेगी 1.110। तो यहाँ पर हमें दो चार्जिंग प्रोसीजर देखने को मिलती है, स्लो रेट एंड क्विक रेट चार्जिंग। आपने अभी जो देखा होगा कि रिसेंट जो मोबाइल फ़ोन्स आते हैं उसमें भी जो है वो क्विक चार्जिंग और स्लो चार्जिंग की प्रोसीजर, जो पुराने मोबाइल फ़ोन्स थे वो हमारे स्लो चार्जिंग पर डिपेंडेंट थे, परंतु अभी जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स है वो क्विक चार्जिंग पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्लो चार्जिंग और क्विक चार्जिंग का अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिफरेंस शेयर करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लो रेट चार्जिंग जो है वो कितना समय लेगा, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 12-20 आवर्स जो है वो ले लेता है आपका स्लो रेट चार्जिंग। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि क्विक रेट चार्जिंग जो है वो आपका हाफ एन आवर में जो है वो बैटरी फुल करके दे देता है। उसके बाद में बात करते हैं स्लो चार्जिंग प्रोसेस इज द सेफ मेथड फॉर चार्जिंग विच इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी बैटरीज, यानी कि ऑर्डिनरी बैटरीज है वो कई बार जो है वो स्लो चार्जिंग प्रोसेस के जरिए चार्ज होती है, वो एक सेफ मेथड है और कन्वेंशनल मेथड भी है, वहाँ पर जो है वो ओवरहीटिंग के जो चांसेस है वो कम से कम रहते हैं कंपेयर टू क्विक रेट चार्जिंग। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूँ क्विक रेट चार्जिंग की, तो क्विक रेट चार्जिंग में क्या होता है कि बैटरी में जो करंट पास किया जाता है वो हाई करंट पास किया जाता है, वो जो नॉर्मल वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा करंट जो है वो पुश किया जाता है किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में, परंतु वो जो करंट है वो कितने समय तक और कितने लेवल तक पुश किया जाता है कि जब तक बैटरी जो है वो 80% जितनी आपकी चार्ज न हो जाए तब तक जो है वो हाई करंट जो है वो पुश किया जाता है ऑटोमोबाइल बैटरी में, और उसके बाद जो है वो नॉर्मल चार्जिंग करंट जो है वो पुश करना स्टार्ट हो जाएगा। पर वहीं पर भी आपको बात ध्यान रखनी है कि किसी भी क्विक चार्जिंग प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रोलाइट की जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपको चार्जिंग करंट को स्लो डाउन करना होगा।
वरना क्या होगा कि जो बैटरी है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इस स्लाइड में आपको टेबल दिया गया हुआ है वो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था प्रीवियस स्लाइड में कि टेम्परेचर को हमें रेगुलर इंटरवल पर मेजर करना है। क्यों हमें रेगुलर इंटरवल पर टेम्परेचर को मेज़र करना है किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी के चार्जिंग के दौरान? तो उसकी जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होती है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर की जो इफेक्ट है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी पर क्या है वो हम देखने वाले हैं इस स्लाइड में। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा चार्जिंग के दौरान तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर उसके क्या इम्पैक्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर डिक्रीज हो जाती है तो उसके क्या इम्पैक्ट्स है ऑटोमोबाइल बैटरी के परफॉर्मेंस पर, वो भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो जनरली स्पेसिफिक स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस पर मेजर की जाती है, यानी कि उसका जो एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिक टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर की जाती है किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए। परंतु रियल लाइफ एप्लीकेशन में हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस ऑब्टेन करना इतना, यानी कि हर कंडीशन में हम 15 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर नहीं कर सकते। तो मान लीजिए अगर आपसे मैं एक एग्जांपल शेयर करूं कि मान लीजिए आपने 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर की है, तो यहाँ पर ये जो 40 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता ही है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी की वो जनरली फुली चार्ज स्टेट में 1.230 हमें मिलती है। तो उसको हमें 15 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो अब जो है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जब 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब 25 डिग्री सेल्सियस एक्सेस इंटरवल लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो वो 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस एक्सेस है। उसी तरह अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर आप -10 डिग्री सेल्सियस पर मेजर करते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपने बैटरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मेजर की, तो वो भी जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस कम है, यानी कि उसका जो इंटरवल है वो क्या है कम है। तो यहाँ पर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पर हमने जो मेजर की है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो है 1.230, तो हमें उसे कन्वर्ट करना है कि हमें 15 डिग्री सेल्सियस पर उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इलेक्ट्रोलाइट की वो कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर इसका एक सिंपल इक्वेशन है 1.230, यानी कि जिस भी टेम्परेचर पर आपने जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर की है उसका समेशन हमें करना होगा 0.018 डिवाइडेड बाई 25 डिग्री, वो जो है वो एक इंटरवल है। उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करना होगा 40-15 के साथ में, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.240, यानी कि ये जो आंसर है वो आपको बताएगा 15 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी मिलेगी, यानी कि 1.248 जितनी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपसे बात करें कि -10 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप कैसे मेजर करेंगे, तो -10 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव साइन है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी है वो -10 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 15 डिग्री सेल्सियस पर हमें कम देखने को मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर में इजाफा होने की वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि 40 डिग्री सेल्सियस पे आप देख सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस पे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल रही है 1.230, और वहीं पर 15 डिग्री सेल्सियस पर हमें हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल रही है 1.248, यानी कि जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि इट डिक्रीजेस, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि जब जब स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा तब तब जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। वो हमारे लिए अच्छी बात है कि जितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा उतना ही जो बैटरी है वो हमारी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाएगी कोल्ड वेदर में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि डिस्चार्ज कंडीशन में होगी, फुल्ली डिस्चार्ज स्टेट में होगी हमारी ऑटोमोबाइल बैटरी, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हमें मिलेगा कंपेयर टू फुल्ली चार्ज बैटरी के मुकाबले। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब भी आपकी कार जो है उसमें बैटरी जो डिस्चार्ज कंडीशन में है तो उसके जो अगर कोल्ड वेदर में हम यूज़ करते हैं तो वो जल्दी से जल्दी उसका इलेक्ट्रोलाइट फ्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जल्दी से जल्दी हमें बैटरी को रिचार्ज करना पड़ेगा। तो उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं बैटरी के वोल्टेज के बारे में कि बैटरी के वोल्टेज कैसे मेज़र किए जाते हैं, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि बाइक है तो बाइक में भी 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ होती है, कार में भी 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ होती है, और जैसे हैवी व्हीकल्स है तो उसमें 24 वोल्ट की बैटरी यूज़ होती है। तो यहाँ पर अब बात करने वाले हैं हम बैटरी वोल्टेज के बारे में।
ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ फुल्ली चार्ज बैटरी सेल, यानी कि अगर हम सिंगल बैटरी का सेल ले लेते हैं तो उसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो जनरली हमें 2.1 वोल्ट्स देखने को मिलता है, और यूजुअली जो है वो सप्लाई करेगा 2 वोल्ट्स जितना पावर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं तो उसमें कितने सेल हो गए, 3 सेल्स होंगे, और वो जो तीनों सेल है वो सीरीज में कनेक्टेड हो गए। अगर मैं आपसे बात करूँ कि 12 वोल्ट की अगर बैटरी ले लेते हैं, वो जनरली हमें कार में और बाइक में देखने को मिलते हैं, तो उसमें जनरली जो है वो 6 सेल्स होंगे, वो भी जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है उसमें 6 सेल्स है तो वो किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज या फिर पैरेलल? तो आपका आंसर आएगा सीरीज। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, द बैटरी वोल्टेज विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सेल नॉट अफेक्टेड बाई दी सेल साइज एंड नंबर ऑफ प्लेट्स, यानी कि बैटरी के जो वोल्टेज है वो नंबर ऑफ सेल के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि सेल के जो साइज और नंबर ऑफ प्लेट्स के ऊपर। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूँ, इन दी ऑटोमोबाइल टू डिफरेंट वोल्टेज सिस्टम आर यूज, द ओल्डर व्हीकल्स आर यूजिंग द 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि जो ओल्डर व्हीकल्स थे वो 6 वोल्ट्स की बैटरी यूज करते थे, और नए जो व्हीकल्स आ गए वो 12 वोल्ट्स की सिस्टम पर आधारित है। अगर ये आपसे बात करता हूँ कि 12 वोल्ट्स की सिस्टम जो है वो डायमीटर जो होता है उसका, जो वायर होते हैं जो उसको करंट को कैरी करते हैं, वोल्टेज को कैरी करते हैं ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम के थ्रू, तो उसके जो वायर का डायमीटर होता है वो कंपेरेटिवली स्मॉलर होता है कंपेयर टू 6 वोल्ट्स की बैटरी। क्यों ऐसा होता है वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी भी 48 वोल्ट्स निकालती है पावर आउटपुट में, और 6 वोल्ट की बैटरी भी अगर सेम पावर आउटपुट यानी कि 48 वोल्ट्स आपको देती है, तो वहां पर जो गैप आएगा वो आएगा करंट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का जो पावर आउटपुट है वो कितना है, सेम है 48 वॉट्स। तो यहाँ पर आपको जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पता होगा कि पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, P इज इक्वल टू V इंटू I, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है वो कैसे काम करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 12 वोल्ट है उस वो जो है वो 4 एम्पियर्स यानी कि कम करंट फ्लो करता है ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो इसके लिए जो डायमीटर चाहिए उस करंट को कैरी करने के लिए वायर का, वो क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू 6 वोल्ट। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि 6 वोल्ट के बारे में बात करते हैं, तो 6 वोल्ट जो है वो 8 एम्पियर तक का करंट यानी कि डबल करंट फ्लो करता है कंपेयर टू 12 वोल्ट की बैटरी के जरिए। तो आई होप कि दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो का लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही रेगुलर हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, उसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली क्लिक करके उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।